नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर फास्ट T20 करंट अफेयर शो में। फ्रेश एपिसोड जो कि 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक को हमने यहाँ कवर किया है। सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 लॉन्च किया। इसके अंतर्गत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और जिलों को 2 अक्टूबर 2018 को पुरस्कृत किया जाएगा। जीएसटी के तहत प्रति व्यक्ति राजस्व संग्रह में हरियाणा शीर्ष पर। गौरतलब हो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जबकि राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पौधागिरी अभियान का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत सरकारी व निजी स्कूल के कक्षा 6 से 12 तक के प्रत्येक छात्र जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में एक एक पौधा लगाएंगे। बिहार के दरभंगा जिले में दुनिया की सबसे सस्ती पेयजल योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत लोग आसानी से केवल 50 पैसे प्रति लीटर में शुद्ध और साफ जल प्राप्त कर सकेंगे। आठ वर्षीय ईश्वर शर्मा भारतीय मूल योग चैंपियन ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित। हरियाणा के गवर्नर को हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। चलते चलते आपको ये बता दें कि हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी हैं। IMF ने 2019 में भारत के 7.3% GDP विकास का अनुमान लगाया है। आपको बता दें कि IMF के MD क्रिस्टिन लेगार्ड, जबकि IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में है। प्रधानमंत्री मोदी ने मिर्जापुर यानी उत्तर प्रदेश में बसंगर नहर परियोजना देश को समर्पित की। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक हैं। यूके ने सॉफ्ट पावर देशों की वार्षिक वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। गौरतलब हो कि दूसरे स्थान पर फ्रांस था। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया गया। इस वर्ष नेल्सन मंडेला के जन्म की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। गौरतलब हो कि उनका जन्मदिन 18 जुलाई 1918 को हुआ था। फोर्ब्स की 2018 सेलिब्रिटी 100 की सूची में पहले स्थान पर फ्लॉयड मेवेदर जो कि एथलीट है, जबकि दूसरे स्थान पर जॉर्ज क्लूनी। बॉलीवुड की बात करें तो 76वें स्थान पर अक्षय कुमार, जबकि 82वें स्थान पर सलमान खान थे। जम्मू कश्मीर में G&K यानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक की पहली महिला शाखा का उद्घाटन किया गया। अमेजन एप्पल के बाद $900 बिलियन वैल्यूएशन वाली दूसरी ऐसी कंपनी बन गई। और आपको चलते तो ये भी आपको बता दें कि अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, जबकि उसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 रुपए के नए नोट जारी कर दिए हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है नोट के मुद्रीकरण की तारीख इस पर अंकित की गई है। इसके अलावा रानी का वाव का रूपांतरण किया गया है और इसमें स्वच्छता संदेश भी दिया गया है। प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज का निधन, वे 92 वर्ष के थे। इनकी जो प्रसिद्ध काव्य थी वह थी आशावरी और प्राण गीत, जबकि इन्हें पद्मश्री 1991 और पद्म भूषण अवार्ड 2007 में दिया गया था। छत्तीसगढ़ में पेंशन भोगियों के लिए आभार आपकी सेवा का नया ऐप लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत ऑनलाइन पेंशन भुगतान से संबंधित सभी जानकारी इस ऐप पे आपको मौजूद होगी। चलते चलते आपको ये बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बलराम जी दास टंडन हैं। और अब चलते हैं कुछ खेल समाचार पे। फीफा विश्व कप 2018, फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हरा विश्व कप का खिताब जीता। मोहम्मद कैफ ने 12 वर्ष बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया।
सात बार की विश्व चैंपियन सेरेना विलियम्स को हरा, एंजेलिक कर्बर ने पहला विंबलडन खिताब जीता। आपको ये भी बता दें कि पुरुष एकल खिताब में नोवाक जोकोविच विजयी रहे। ब्राजील ने विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप का समापन, भारत ने कुल 4 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक अपने नाम किए। और अब कुछ फटाफट खबरें। अभिनेत्री रीता बहादुरी का 62 वर्ष की उम्र में निधन, विनेश फोगाट को स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता। जेके राउलिंग अपनी अगली पुस्तक लेथल वॉइड बहुत जल्द रिलीज करेंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीकली करंट अफेयर शो यहीं पर समाप्त होता है। पिछला एपिसोड में आपका भरपूर प्यार मिला, इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया। यदि पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, करंट अफेयर्स के साथ। तो फिर आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर कल मुलाकात होगी नए और फ्रेश वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।